हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन इन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में तो सोशियो रिलीजियस रिफ़ॉर्म में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर में कौन कौन से रिफ़ॉर्म्स हैं और फिर उसके जो बेसिक डिटेल्स हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अगेन देयर विल बी टू फॉर्मेट पहले हम लोग बोर्ड स्टडी करेंगे बोर्ड डिस्कशन करेंगे यानी कि एक ब्लैंक शीट पर डिस्कशन करेंगे ताकि आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आइडिया लग जाए क्योंकि देखिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है अगर आप इसे समझेंगे नहीं तो अगर आप इसे रट्टा मारने पे आ जाएंगे देन इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक लेकिन अगर आपको लिंकिंग समझ में आ जाएगी तो फिर काफ़ी आसान हो जाएगा आपको याद करना अल्टीमेटली तो खैर याद ही करना है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू मेमोराइज़ चले फिर फटाफट डिस्कशन करना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आखिर में इस मूवमेंट को हुआ तो हुआ ही क्यों अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जब डिस्कशन किया था एजुकेशन को लेकर के वहाँ पर हम लोगों ने एक बात यहाँ पर सीखी थी कि ब्रिटिशर ने एक इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी लेकर के आए थे इस इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी में इन लोगों ने क्या किया था इस इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी में इनका ये मानना था कि देखो अगर हर एक बंदे को हमें इंग्लिश एजुकेशन देना है हर एक बंदे को अगर क्रिश्चियन एजुकेशन देना है तो ऑब्वियस ये बात है कि एक एक बंदे को पकड़ना पड़ेगा जो कि पॉसिबल ना टास्क नहीं है तो इन्होंने क्या है इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी इन लोगों ने पकड़ा इन्होंने कहा कि जो भी सोसाइटी का टॉप क्लास है या जिसके भी जो भी रिलीजियस टीचर है या जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उसको पकड़ पकड़ करके पहले वेस्टर्न एजुकेशन को हम लोग दिखाते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है क्या इसमें खास बात है आपके एजुकेशन सिस्टम में क्या बैकवर्डनेस है और कैसे वेस्टर्न एजुकेशन आपके यहाँ की जो प्रॉब्लम बैकवर्डनेस ऑर्थोडॉक्सिटी है उसको दूर कैसे कर सकता है तो इस चक्कर में कई लोग जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर आपके राजा राम मोहन रॉय या फिर आपके बाकी और भी जितने भी लोग थे ए एम बोस वगैरह ये सारे लोग अल्टीमेटली क्या हुए कि अट्रैक्ट हो गए इस इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी से नो no डाउट यहाँ पर बाकी वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही थी जैसे कि आपकी एक तो वेस्टर्न एजुकेशन हो गई आपकी दिस इज़ वेस्टर्न एजुकेशन इसके अलावा जो आर्थोडॉक्सिटी थी उसको इसके अलावा जो बाकी और भी थाट्स थे जैसे कि जो वेस्टर्न फिलोसोफिकर्स थे उनके बारे में इन लोगों को जानने का मौका मिला तो ये लोग जब जाने तो अल्टीमेटली इन्हें यह पता चला कि यार हमारे यहाँ पर सोसाइटी में तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स अब जैसे कि प्रॉब्लम के नाम पर अगर बात किया जाए तो वुमेन एजुकेशन नहीं दी जाती थी तो वुमेन एजुकेशन अपने आप में एक प्रॉब्लम थी बैकवर्डनेस ऑफ बैकवर्डनेस या फिर कह लीजिए कि कंडीशन ऑफ़ वुमेन भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम थी इसके अलावा यहाँ पर क्या होता था सैक्रीफाइसेज ह्यूमन सेक्रीफाइसेज दिए जाते थे नरबली जिसको बोला जाता है तो यहाँ पर धर्म के नाम पर सक्रीफाइसेज वग़ैरह दिए जा रहे हैं छोटे बच्चों को मार दिया जाता था इसके अलावा डिवीज़न इन द सोसाइटी था डिवीज़न इन सोसाइटी था तो अपने आप में क्या है कि बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सिटी ये पूरा का पूरा जो समाज है वो ले के रखा हुआ था तो इस चक्कर में हुआ क्या कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है जो आइडियाज़ थे इट अल्टीमेटली प्लेट एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग ऑफ सम एडवांस आइडियाज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड एंड मॉडर्न एजुकेशन टू इन इंडिया अट्ठारहवीं सेंचुरी के एंड एंड तक अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ इंडियन स्कॉलर्स बिगैन टू स्टडी द एशियट इंडियाज़ फिलासफी साइंस रिलीजन एंड लिटरेचर और यहाँ से इन्हें पता चला कि देखो यार हमारे यहाँ पर कितनी ज़्यादा सोशल एवल्स सुपरस्टिशंस एंड इनह्यूमेन प्रैक्टिसज एंड कस्टम्स हैं अब जैसे एक कस्टम के बारे में आप लोगों को पता होगा हालांकि आज भी साउथ इंडिया में कई जगहों पर ये प्रविलेंट है जो है दास सिस्टम अब इस दास सिस्टम में क्या होता है छोटे बच्चियों का जो है मंदिरों में ही शादियां करा दी जाती हैं और फिर पूरे लाइफ टाइम में वो मंदिरों की ही सेवा करेंगी इन द नेम ऑफ दिस दास सिस्टम बहुत ज़्यादा सेक्स रैकेट्स और एक्सप्लाइटेशन ये सामने निकल कर के आया है जिसके कारण से अब गवर्नमेंट जो है इस पर काम भी कर रही है दस इंडियन रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स मेड यूज ऑफ देयर नॉलेज ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़ एज वेल एज ऑफ एंशियंट लर्निंग यहाँ पर प्रेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्योंकि प्रेस के माध्यम से ही अपनी जो थाट्स थे उनको पहुंचाया गया जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हो गए या गांधी जी हो गए या फिर हमारे महादेव गोविंद राणाडे हो गए या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर हो गए तो बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने अपने अपने राइटिंग के बदौलत जो है समाज में जो जो कुरीतियाँ थी जो बैकवर्डनेस थी ऑर्थोडॉक्सिटी थी रॉन्ग डूइंग्स थी इनको दूर करने की कोशिश किया अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया जाए तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं कि जो सुपरस्टिशंस ऑर्थोडॉक्सिटी थी उसको दूर करने की कोशिश की गई थी तो यहाँ से क्या है कि एक नया मिडिल क्लास जो है वो सामने निकल करके आया था वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स ये सामने निकल करके आए थे दीज मोमेंट्स इमर्ज इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और इस तरीके से धीरे धीरे रीजनल लेवल पर ये डेवलपमेंट होनी शुरू हुई तो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया लेवल पर नहीं हुई थी ये रीजनल लेवल पर हुई थी इसके अलावा यहाँ पर क्या दिक्कत थी दिक्कत ये थी कि ये केवल ये कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ में ही सिमट करके रह गया था यहाँ पर जो पीएजेंट्री है और जो अर्बन पुअर है वहाँ तक ये रीच नहीं कर पाया था वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाया था तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं खैर और भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर यहाँ पर बात किया जाए कि क्या क्या इश्यूज़ थे इस मूवमेंट को लेकर के तो देखिए धर्म कहीं पर भी आ जाएगा तो लोग उसको एक्सेप्ट शुरुआत में नहीं करेंगे तो लोगों ने पहले रिसिस्ट किया लेकिन फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे जब इसे एक्ट के फॉर्मेट में लाया गया और बैन की गई चीजें तो फिर अल्टीमेटली लोगों ने एक्सेप्ट भी किया लेकिन इस एक्सेप्टेंस का एक हमें बुरा परिणाम भी देखने को मिला बुरा इन द सेंस कि ब्रिटिशर के कंटेक्स्ट में 1857 वॉर भी हमें सामने देखने को मिलती है कहीं ना कहीं ये जो 1857 वॉर है वो इन्हीं सभी मूवमेंट के कारण ही था क्योंकि इन सब मूवमेंट के कारण में अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने एक्ट बना दिया कानून बना दिया और कानून के माध्यम से जो भी ऑर्थोडॉक्सिटी सुपरस्टिशंस रॉ एंड डूइंग्स थी उसे रोकने के प्रयास किया गया था अब जैसे जो गर्ल मैरिज है जो बच्चों की मैरिज हो जाती थी उसको अगर रोक लगाएंगे तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है एक सोशल सोशल जो बेसिकली पीपल है जो समाज में पीपल हैं उनको एक गहरा धक्का लगेगा ही लगेगा तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं इसी तरीके से अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है उसमें अगर आप बोले कि नहीं ये नहीं करना चाहिए तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे तो इस तरीके से ये जो रिलीजियस स्फीयर था कहीं ना कहीं वो इस पूरे के पूरे मोमेंट का इशू बना हुआ था यहाँ पर जो मॉडर्न साइंस थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ये लोग और इस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सिस्टम जो है वो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में बदला हुआ था इसके अलावा सोशल स्फीयर थी जहाँ पर जो पुअर थे बेसिकली वो जमींदार के द्वारा एक्सप्लॉयट हो रहे थे और ऑल्सो ये जो जमींदार थे वो एक्सप्लॉयटेशन छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पावर किसको इन्जॉय करना अच्छा नहीं लगता है इसी तरीके से पॉलिटिकल स्फीयर भी था जहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल ओपिनियंस ऑफ द पीपल बाय वर्नाक्युलर पैम्पलेट्स इन सब के माध्यम से भी ये शुरू किया गया था तो लोगों ने ऑब्वियस ही बात है रजिस्ट किया ही किया अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कई सारे समाज आए थे जैसे कि एक था आपका ब्रह्म समाज इसी तरीके से आत्मीय सभा ठीक है तो हमारे पास तरह तरह की चीजें थी तो पहले हम लोग एक काम करते हैं पहले जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं और यहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा और मोर इंपॉर्टेंटली आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर में चीजें क्या क्या हो रही हैं तो इस पूरे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की शुरुआत होती है एक साहब से जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय ये फैमिली इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ये क्या है कि शुरुआती दिनों में दीवान के पोस्ट पर ये काम करते थे ऑब्वियसली बात है कि ब्रिटिश कंपनी में ही काम करते थे तो ये ब्रिटिशर ब्रिटिश एक डिग्बी था ब्रिटिश गवर्नर डिगबी नाम था इसका नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है डिग ठीक है इसके ही कहने पर इन्होंने क्या है दीवान की पोस्ट को एक्सेप्ट करके दीवान दीवान वाली बातें करनी मतलब दीवानी का काम करना इन्होंने शुरू कर दिया था ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे इन्होंने लगभग लगभग हर एक रिलिजन के बारे में पढ़ रखा था जैसे कि इस्लाम के बारे में भी इन्होंने पढ़ा था बुद्धिज्म के बारे में भी इन्होंने पढ़ा था जैन के बारे में भी इन्होंने पढ़ा था इसके अलावा हिंदुज़म को भी पढ़ रखा था इनफैक्ट हिंदुज़म को लेकर के इसके पीछे की स्टोरी ये है कि बचपन में ही छोटे जब ये थे बारह तेरह साल के थे तभी से ये जो समाज में सुपरस्टिशंस है उसको ये विरोध करते थे कहते थे कि यार ये तुम गलत कर रहे हो ना तो ये वेद में लिखा है ना तो ये उपनिषद में लिखा है तो अल्टीमेटली ये क्या करते थे कि लोगों को रिसिस्ट करते थे कि ये काम तुम नहीं करना चाहिए तो एक बार की बात है इनफैक्ट जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने इनके जो फादर थे उनसे आके कह दिया कि लड़के को अपने समझा लो ये बहुत ज़्यादा गलत बोल रहा है तो इस तरीके से अल्टीमेटली इनफैक्ट इनको घर से बाहर भी निकाला गया था तो ये कई सारी कंडीशंस हो गई थी तो यहाँ पर इनको एक चीज़ आइडिया लग गया था कि देखो समाज में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस हैं और हमें इस ऑर्थोडॉक्सिटी को दूर करने की ज़रूरत है इस ऑर्थोडॉक्सिटी को दूर करने के लिए इन्होंने सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसका नाम था आत्मीय सभा तो दिस वॉज आत्मीय सभा आत्मीय सभा में क्या हुआ था कि ये एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर है इसके बारे में यहाँ पर लोगों को बताना शुरू किया तो एकेश्वरवाद, सिंगल गॉड इस फिलॉसफी को इन्होंने बताना शुरू किया दिस इज वन सेकेंड तो सिंगल गॉड के बारे में इन्होंने बताना शुरू किया अब यहां से कुछ लोग इनको जुड़ गए कुछ लोग इनके साथ हो गए और कुछ लोगों में कौन थे सबसे पहले साहब आए थे जिनका नाम था द्वारका नाथ टैगोर द्वारका नाथ टैगोर अब ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों लोग साथ, साथ में थे ये विद द टाइम बीइंग एक दूसरे के साथ में मिले और मिलने के बाद में तब चीज़ों के बारे में पता चला कि अच्छा ठीक है हाँ यार बात तो सही है तो इस तरीके से एकेश्वरवाद को लेकर के और बेसिकली आत्मा के बारे में सोल के प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ़ सोल के बारे में यहाँ पर इन्होंने चीज़ों को बताया प्रिंसिपल ऑफ सोल ठीक है तो इसके बारे में यहाँ पर चीज़ों के बारे में बताया गया था तो आप ये बोल सकते हैं कि सिंगल गॉड या इसी को आप बोल सकते हैं कि एकेश्वरवाद के बारे में इन्होंने एकेश्वरवाद की जो फिलासफ़ी होती है उसको इन्होंने बताया इसी तरीके से आगे जा करके इन्होंने कई और भी चीज़ों को बनाया जैसे कि इन्होंने वेदांत सोसाइटी बनाई वेदांत सोसाइटी ठीक है वेदों के एक्चुअली क्या है कि वेदों की ओर में ये वेदों को बहुत ज़्यादा बोलते थे कि वेदास को हमें पढ़ना चाहिए और वेदास के ही अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को चलाना चाहिए इनका एक और कहना था कि जो भी वेद हैं जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो भी नॉलेज है वह एक्चुअल में उपनिषद्स में लिखी गई है तो हमें उपनिषद्स को फॉलो करना चाहिए बिकॉज वेद इज ऑब्वियसली वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू रिफर उपनिषद्स तो उपनिषद को हमें फॉलो करना चाहिए इसके लिए उन्होंने क्या है वेदांत सोसाइटी खोली इसी तरीके से वेदांत कॉलेज भी खोला गया था तो ध्यान रखिएगा वेदांत सोसाइटी पहले खोली गई थी फिर वेदांत कॉलेज खोला गया था इसी तरीके से हिंदू कॉलेज भी खोला गया था और ये जो हिंदू कॉलेज था ये कुछ जगहों पर लिखा गया है फ्रेंच की मदद से खोला गया था और कुछ जगहों पर लिखा गया है कि डच की मदद से खोला गया था तो आप लोग जरा ध्यान रखिएगा दोनों ही ठीक है कभी भी क्वेश्चन आता है तो दोनों ही याद रखिएगा हिंदू कॉलेज ये ओपन किया गया था कहां पर ऑब्वियसली बंगाल में ओपन किया गया था जिसकी मदद से ओपन किया गया था उनका नाम क्या था डेविड हेयर डेविड हेयर की मदद से ये हिंदू कॉलेज ओपन किया गया था इसी तरीके से इन्होंने क्या है कि एक, एक यूनिटेरियन कमेटी बना के रखी थी यूनिटेरियन कमेटी इस यूनिटेरियन कमेटी का काम क्या था सबको इकट्ठा करना बेसिकली तो ये इकट्ठा करने वाला काम जो होता है यूनिटेरियन कमेटी के द्वारा किया गया था अब ये पूरी छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन थी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए अल्टीमेटली इन्होंने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोली जिसका नाम है ब्रह्म समाज अब ये जो ब्रह्म समाज है ये स्टार्ट की गई थी कब ये स्टार्ट की गई थी 1828 से अब इस ब्रह्म समाज का कई सारा काम था कई सारे काम में अगर बात किया जाए एक सेकेंड अगर कई सारे इसके काम में बात किया जाए तो पहले तो जो एकेश्वरवाद वाला प्रिंसिपल था वो तो रहेगा ही रहेगा इसके अलावा यहां पर कुछ और भी चीजें आ गई थी जैसे कि एक तो आप लिख लीजिए एकेश्वरवाद इसके अलावा और क्या आ गया इसके अलावा इन्होंने सती सिस्टम पर बैन के बारे में बताया सती सिस्टम बैन वेदास की इंपॉर्टेंस को बताया इन्होंने वेदास इम्पोर्टेंस ठीक है तो इस तरीके से जो भी समाज में सोसाइटी में जो भी ऑर्थोडॉक्सिटी थी जो बैकवर्डनेस थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया अब यहाँ पर देखिए 1828 के बाद 1833 में इनकी डेथ हो जाती है इनकी डेथ हो जाती है डेथ के पीछे भी जरा देखिएगा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अब जैसे इस समय पर लोगों का ये मानना था कि अगर आप ओशियन को क्रॉस करते हैं ओशियन को अगर क्रॉस करेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी ऐसा लोगों का मानना था अब हुआ क्या कि एक साहब थे एक साहब क्या मुगल किंग ही थे उस समय के अकबर टू अकबर टू उस समय के मुगल किंग थे अब ही बात है इस समय तक जो ब्रिटिशर थे उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो ये भाई साहब जो है वो पेंशन पे आ चुके थे और इनकी पेंशन थी बहुत कम तो अकबर टू ने कहा कि हमारे राजा राम मोहन साहब को बोला कि ऐसा है राजा राम मोहन जी आप जो है चले जाइए इंग्लैंड आने आने का खर्चा सब कुछ दिया जाएगा लेकिन वहाँ जा करके हमारी पेंशन को जरा बढ़वा दीजिए तो इस समय तक अच्छा राजा राम मोहन को ही क्यों बोला गया क्योंकि ये मोस्ट मॉडर्न थिंकर थे और इस कारण से जो ये ओशन क्रॉस करने वाला जो ये ऑर्थोडॉक्सिटी था ये इसको गलत भी प्रूव करना चाहते थे और इस चक्कर में अकबर ने इनको राजा की ये जो टाइटल है ये भी दिया था तो याद रखिएगा राजा का टाइटल किसने दिया अकबर टू ने दिया था तो जिस जैसे ही अकबर टू ने कहा कि आप चले जाइए वैसे ही हमारे राजा राम मोहन निकल जाते हैं कहाँ पर ब्रिस्टन की ओर में ब्रिस्टन दैट इज लंदन चले जाते हैं जाते तो हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है अब जरा सोचिए लोगों का ऑर्थोडॉक्स माइंड क्या बोलता है कि अगर आप ओशन क्रॉस करेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी और यहाँ अनफॉर्चुनेटली डेथ हो भी जा रही है तो लोगों का विश्वास ये पक्का हो गया था कि देखो राजा राम मोहन गए हैं और उनकी डेथ हो गई है तो हंड्रेड परसेंट श्योर है ओशन को क्रॉस करेंगे तो हमारी डेथ हो ही जाएगी तो जो चीज़ ये जिंदगी भर जो चीज़ जिस काम के लिए करते रहे वो आखिर में क्या हुआ अंड में कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आया क्लियर अच्छा हमारे जो ये ब्रह्म समाज थी इसमें हमारे राजा राम मोहन के द्वारा और कई लोग जुड़ गए थे इस समय तक राजा राम मोहन के द्वारा राजा राम मोहन के अलावा कुछ और भी जो लोग जुड़ गए थे और उनमें से एक साहब है जिनका नाम है द्वारका नाथ टैगोर नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए द्वारका नाथ टैगोर और हमारे दूसरे साहब हैं दूसरे साहब हैं जिनका नाम है रामचंद्र रामचंद्र विद्यावागीश ठीक है विद्यावागीश अब देखिए इन दोनों लोगों की अपनी कंट्रीब्यूशन है हमारे द्वारकानाथ टैगोर साहब की अपनी अलग कंट्रीब्यूशन अग है और हमारे रामचंद्र विद्यावागीश की कुछ अपनी अलग कंट्रीब्यूशन है सबसे पहले बातें कर लेते हैं कि रामचंद्र विद्यावागीश की क्या कंट्रीब्यूशन है रामचंद्र विद्यावागीश की जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्होंने क्या किया कि एक डिक्शनरी बनाई थी और वो डिक्शनरी बंगला में थी तो बंगला डिक्शनरी बेसिकली ये क्या चाहते थे ये चाहते थे कि जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है या कोई भी टेक्स्ट है वो बंगला भाषा में आ जाए ताकि लोग उसे पढ़ सकें तो यहाँ पर इनका ट्रांसलेशन वर्क चल रहा था तो ये इनका काम था ट्रांसलेशन वर्क करना और वहीं दूसरी ओर जो हमारे द्वारका नाथ टैगोर जी थे इन्होंने कुछ अलग अपना काम करना शुरू कर दिया था अलग काम करना का मतलब क्या हो गया इन्होंने द्वारका नाथ खैर द्वारका नाथ जी ने कोई खाम ऐसा काम नहीं किया द्वारका नाथ को आगे मतलब कि ब्रह्म समाज के वो आगे बढ़ाने के लिए द्वारका नाथ रामचंद्र विद्या बागीश के बाद फिर हम आ, आते हैं द्वारका नाथ के ही लड़के उनका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर देवेंद्र नाथ टैगोर अब जरा यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा ये जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं ब्रह्म समाज में तो हैं ही इसके अलावा इन्होंने एक तत्व तत्वबोधिनी सभा भी स्टार्ट की थी अब यहां पर इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है ध्यान से समझिएगा क्या किया है इन्होंने एक स्टार्ट किया तत्व रंजनी सभा शुरू में रंजिनी सभा जो कि बाद में इसी का नाम क्या पड़ गया था तत्व बोधिनी सभा तत्व बोधिनी सभा ठीक है अब देखिए अगर आप अलग अलग याद करने जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है तत्व बोधिनी तत्व रंजनी ब्रह्म समाज है ना तो इसमें क्या है कंफ्यूजन हो सकती है लेकिन अगर आप वन बाई वन करके चीजों को जाएंगे और कंसेप्ट क्लैरिटी रखेंगे देन आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो ब्रह्म समाज चल रही है वो तो चल ही रही है इसके अलावा इन्होंने तत्व रंजनी सभा जो कि बाद में तत्व बोधिनी सभा के नाम से फेमस हुआ स्टार्ट किया गया था यहां पर एक मैगजीन भी चलाई जाती थी मैगजीन कौन सी थी यही सेम नाम था तत्व बोधिनी मैगजीन तो तत्व बोधिनी तत्व का मतलब क्या है तत्व का मतलब होता है एलिमेंट और यहाँ पर बेसिकली जो रिलीजन के धर्म के एलिमेंट है रिलीजियस एलिमेंट इस पर जो है चर्चा की जाती थी तो रिलीजियस एलिमेंट पर यहाँ पर बातें की जाती थीं बाद में तत्व बोधनी सभा में ही और भी लोग जुड़ गए थे कौन कौन लोग जुड़ गए थे ईश्वरचंद विद्यासागर जुड़ गए थे ईश्वर चंद विद्यासागर इसके अलावा और कौन जुड़ गए थे इसके अलावा अक्षय कुमार दत्त जुड़ गए थे अक्षय नाम अक्षय याद रखिएगा इसके अलावा राजेंद्र लाल मिश्रा जुड़ गए थे तो राजेंद्र लाल मिश्रा तो ये लोग जो है अल्टीमेटली तत्व बोधिनी सभा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिए थे यहीं पर इन्होंने एक छोटी सी मैगजीन और भी निकाली थी जो थी ब्रह्म धर्म के नाम से ब्रह्म धर्म यहाँ पर क्या बताया गया था यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियनिटी को कंपेयर किया गया था हिंदुइज्म के साथ में और कहीं ना कहीं हिंदुइज़म को ही और बेटर तरीके से दिखाने की कोशिश की गई थी तो ये जो बेसिकली ब्रह्म धर्म है इसको आप ध्यान रखिएगा दिस वॉज एक्चुअली अ मैगजीन देवेंद्र नाथ के एक्चुअल में दो लड़के थे क्या क्या नाम था दोनों लोगों का अभी देखिए बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको देवेंद्र नाथ के दो लड़के थे एक थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर जो कि अपने आप में लगभग सब कुछ थे पेंटर भी थे ये राइटर भी थे पोएट भी थे स्कल्चर भी थे आर्किटेक्ट भी थे सब कुछ ही थे और सब में इन्होंने अपना नाम भी किया हुआ था ऐसा नहीं कि कोई उन्नीस रहा हो सब कुछ इनका बीस था इसके अलावा सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो कि बताने की जरूरत ही नहीं है पहले आई या फिर आई बोल सकते हैं अधिकारी थे तो इन्होंने क्या किया था अब देखिए इनके दोनों लड़के तो क्या करें पढ़ाई में निकल गए तो फिर ब्रह्म समाज को आगे कौन बढ़ाएगा तो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने के लिए नए साहब आते हैं जिनका नाम है केशव चंद्र सेन केशव चंद्र सेन अब केशव चंद्र सेन को इन्होंने सारा चीज दे दिया मतलब पूरी ट्रस्ट की यह चल में ब्रह्म समाज जो है ट्रस्ट में बदल गया था और ट्रस्ट का सारा काम इन्होंने दे दिया केशव चंद्र सेन को और कहा कि चलो ठीक है अब अपने हिसाब से आप जो है अपना ये चलाइए ब्रह्म समाज को चलाइए तो केशव चंद्र सेन ने कहा कि यार हम लोग क्यों ब्रह्म समाज को हिंदुइज़्म तक क्यों रोक कर करके रखे हुए हैं तो हम लोग अब क्या करेंगे ब्रह्म समाज में ही हिंदुज़म तो है ही हिंदुज़म तो है ही इसके अलावा बाकी धर्मों के भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि इस्लाम जैसे कि पारसी पर्शियन जो हो गया इसके अलावा क्रिश्चियनिटी ठीक है तो इसके भी जो अच्छे अच्छे एलिमेंट्स हैं उसको भी हम लोग अब डिस्कस किया करेंगे और इसको भी हम लोग एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे तो पहला नंबर वन दूसरा इन्होंने कहा कि यार हम लोग क्यों बंगाल तक ही क्यों सीमित हैं हम लोगों को स्प्रेड करना चाहिए तो इन्होंने कहा कि इस्प्रेड करिए यूपी पंजाब मद्रास बॉम्बे हर जगह पर स्प्रेड करिए जहाँ जहाँ पर भी इस्प्रेड हो सकती है तो जब हमारे देवेंद्र नाथ टैगोर ने देखा कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं तो केशव चंद्र सेन को रवेंद्र नाथ ने रोक दिया यहाँ पर केशव चंद्र सेन को स्टॉप कर दिया गया और इनको निकाल दिया गया और वापस जो हमारे देवेंद्र नाथ टैगोर जी हैं देवेंद्र टैगोर जी हैं इन्होंने वापस से कमांड संभाली इस ब्रह्म समाज की और इस ब्रह्म समाज का नाम बदल के रख दिया गया आदि ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज अब देखिए यहाँ पर आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आदि ब्रह्म समाज कैसे निकल करके आया है तो आदि ब्रह्म समाज जो है वो ब्रह्म समाज से ही निकल करके आ गया तो हमारे केशव चंद्र सेन ये क्या करेंगे ये क्या ढपली बजाएंगे क्या नहीं इन्होंने भी क्या किया इन्होंने भी आगे जा करके ब्रह्म समाज की एक नई धारा बना दी और इसका नाम रखा गया ऑल इंडिया ब्रह्म समाज ऑल इंडिया ब्रह्म समाज अब ये देखिए दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं एक तरफ जो ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज है ये वापस से जो हिंदुइज़्म है ये वापस से जो केवल हिंदुइज़्म है इसको प्रमोट कर रहा है ठीक है हिंदुइज्म को केवल प्रमोट एक सेकेंड यस वन सेकेंड ठीक है ये वापस से केवल और केवल हिंदुज़म को प्रमोट कर रहा है और हिंदुइज़म के साथ साथ केवल और केवल ये बंगाल में काम कर रहा है तो ये जो है बंगाल एंड हिंदुज़म केवल और केवल यहीं पर ये काम कर रहा है और जबकि हमारा जो ऑल इंडिया ब्रह्म समाज है ये क्या कर रहा है हिंदुज़म के साथ साथ जो बाकी और भी धर्म है जो अदर रिलीजन है उनके जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसकी भी चीज़ों को ये अडॉप्ट कर रहा है और ऑल इंडिया है अब ये बंगाल में ही लिमिटेड नहीं है ऑल इंडिया है अब यहाँ पर जो ऑल इंडिया ब्रह्म समाज है इसकी ऑब्वियस ही बात है प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें कई लोग नए आकर के जुड़ गए थे कौन कौन नया जुड़ गया था इसमें जुड़ गए थे ए एम बोस आनंद मोहन बोस इसके अलावा शिवनाथ शास्त्री शिवनाथ शास्त्री आकर के इसमें जुड़ जाते हैं और साथ ही साथ में सुरेंद्र टैगोर भी जुड़ जाते हैं अब देखिए ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था हो गई थी क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पर ये चल रही है क्लियर हुआ क्या चीज़ है तो अब जो बाकी अब यहाँ पर जैसे देखिए कायदे से अभी हम लोग देखेंगे ऑल इंडिया ब्रह्म समाज है यानी कि कहाँ कहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें भी ओपन हो जाएंगी अब जैसे कि मद्रास में मद्रास में कोई नया चीज़ ओपन हो जाएगा इसी तरीके से बॉम्बे में भी कोई नई चीज़ ओपन हो जाएगी है ना तो फ़िलहाल अभी इसमें क्या ओपन हुआ था क्या नहीं हुआ था ये हम लोग अभी बाद में बात करते हैं फिलहाल पहले आ जाते हैं वापस से ऑल इंडिया ब्रह्म समाज के बारे में ब्रह्म समाज की बहुत ज़्यादा फेम हो रही है आनंद मोहन बोस शिवनाथ शास्त्री और एस एन टैगोर ये लोग आकर के मिल भी गए हैं यहाँ पर जो ब्रह्म समाज है जो अभी केवल और केवल रिलीजियस बातों को केवल करता था अब ये वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करना शुरू कर दिया था इस वुमेन एम्पावरमेंट में मेन जो इनका काम था वो था एजुकेशन की ओर में प्लस सती सिस्टम को बैन कराने की ओर में सती सिस्टम तो खैर बैन हो चुका था उस वक्त तक इसके अलावा विडो को लेकर के काम करते थे विडो री को लेकर के काम कर रहे थे ठीक है विडो रीमैरिज के लिए ये लोग प्रपोजल दे रहे थे इसके अलावा चाइल्ड मैरिज़ के अगेंस्ट में थे चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में थे और पॉलीगैमी के अगेंस्ट में थे पॉलीगैमी यहाँ पर इन लोगों ने चाइल्ड मैरिज को लेकर के ही एक एक्ट पास करवाया जिसका नाम है ब्रह्म विवाह या ब्रह्म मैरिज एक्ट इस ब्रह्म मैरिज एक्ट या फिर इसी को बोलते हैं नेटिव मैरिज एक्ट नेटिव मैरिज एक्ट इस एक्ट में ये बोल दिया गया कि जो लड़कों की उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए और जो लड़कियों की उम्र है वो 14 साल होनी चाहिए किसके लिए शादी करने के लिए तो ये काम कर दिया गया इसके अलावा बाकी एक और काम किया गया था किसके द्वारा हमारे यही कृष्ण सॉरी केशव चंद्र सेन के ही द्वारा इन्होंने क्या किया इंडियन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और यहाँ पर इन्होंने यही सारी जो बातें हैं यही सारी जो बातें हैं इसी के प्रमोशन पर काम किया तो इन्हीं का प्रमोशन करना शुरू किया लेकिन हमारे केशव चंद्र सेन के द्वारा एक गलती हो गई गलती ये हो गई ये प्रमोट कर रहे थे क्या शादियाँ जो होती हैं बचपन में नहीं की जानी चाहिए लेकिन हमारे जो केशव चंद्र सेन ही हैं इन्होंने ही अपनी लड़की का शादी तेरह साल की उम्र में बिहार में एक राजा से कर दिया था तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो लोग होंगे इनके साथ जुड़े हुए जैसे ए एम बोस या शिवनाथ शास्त्री या एस वो इनके अगेंस्ट हो गए वो कहे यार तुम तो उल्टा पुल्टा जो काम आप बोलते हैं वो करते ही नहीं हैं तो इस कारण से वापस से ये जो ऑल इंडिया ब्रह्म समाज है वापस से दो पार्ट में डिवाइड हो गया अब यहाँ पर जो ये डिवीज़न होते हैं वो दो पार्ट में फिर से हो जाते हैं एक बनता है साधारण ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज अब ये जो साधारण ब्रह्म समाज है इसको कौन फॉलो करेगा यही जो लोग इसमें थे और माने नहीं जैसे कि ए एम बोस शिवनाथ शास्त्री और एस एन टगोर वो अब साधारण ब्रह्म समाज में ये चले गए और बाकी जो ऑल इंडिया ब्रह्म समाज चल रहा है उसको वापस से केशव चंद्र सेन के द्वारा अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर ये हुआ कि चलो ठीक है वापस से काम करना शुरू कर देते हैं तो इस तरीके से जो ब्रह्म समाज है वो अल्टीमेटली अलग अलग पार्ट में इसी तरीके से डिवाइड हुई एक अगर ओवरऑल सेंस में इसको फटाफट क्विकली रिविजन कर लिया जाए तो देखिए शुरुआत में राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने द्वारकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावागीश के साथ में ही ब्रह्म ब्रह्म समाज की स्टैब्लिशमेंट की थी ब्रह्म समाज के बाद अल्टीमेटली ये द्वारकानाथ टैगोर के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में चली गई यहाँ पर इन्होंने तत्व रंजनी सभा या तत्व तत्वबोधिनी सभा स्टार्ट किया था इसके ब्रह्म समाज के साथ ही साथ में इसके अलावा केशव चंद्र सेन फिर आ गए थे केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया देवेंद्र नाथ ने उनको रोक दिया और वापस से यहाँ पर आदि ब्रह्म समाज और ऑल इंडिया ब्रह्म समाज में ये संस्था डिवाइड हो गई बाद में जो ऑल इंडिया ब्रह्म समाज है दो पार्ट में डिवाइड हो गया ऑल इंडिया ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज में ये डिवाइड हो गया था तो यहाँ पर आपको पूरी स्टोरी भी समझ में आ गई होगी कि क्या पूरी स्टोरी और किस तरीके से पूरी स्टोरी चल रही है अब जरा देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अभी फिलहाल स्टॉप करके रखा था हमारा मद्रास में क्या हो रहा है और बॉम्बे में क्या हो रहा है ऑल इंडिया ब्रह्म समाज में ये बात क्लियर हो गई थी कि ऑल इंडिया में चीज़ें फैल गई थी तो मद्रास में ऑल इंडिया ब्रह्म समाज के ही तर्ज पर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था वेद समाज तो वेद समाज यहाँ पर बनाया गया और जो बॉम्बे है बॉम्बे में इसी तरीके से एक नया समाज बनाया गया था जिसका नाम था प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज अब देखिए अगर आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप इसको रा याद करेंगे तो मद्रास में जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था वेद समाज और बॉम्बे में जो थी उसका नाम था प्रार्थना समाज अब देखिए थोड़ा सा अगर इस वेद समाज के बारे में अगर बात किया जाए तो वेद समाज को आगे बढ़ाने वाले कौन थे आगे बढ़ाने वाले जो वेद समाज के लोग थे उनका नाम था तीन लोगों का नाम आपको याद रखना है नायडू ठीक है ऐसे ही याद रखिएगा नायडू चार्लू और चिट्टी नायडू चार्लू और चिट्टी ठीक है चिट्टी नायडू का मतलब यहाँ पर क्या है नायडू का मतलब है के श्री धरालू नायडू चार्लू का मतलब है वी राजगोपाला चार्लू और चिट्टी का मतलब है सुब्रमण्यम चिट्टी लेकिन खैर इंटरेस्टिंग जब तक नहीं रहेगा तब तक याद भी नहीं रहेगा तो नायडू चार्लू चिट्टी इस नाम से याद रखिएगा इनफैक्ट मद्रास में ये जो वेद समाज बनाया गया इसे साउथ इंडिया का ब्रह्म समाज कहा जाता है ये बात ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साउथ इंडिया का ब्रह्म समाज इसी तरीके से जो ब्रह्म ये प्रार्थना समाज है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो प्रार्थना समाज को स्टार्ट किया गया था आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा अब ये जो आत्मा राम पांडुरंग है अच्छा एक चीज़ तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉम्बे में बनाई गई है तो आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा क्या किया गया ये प्रार्थना समाज स्टार्ट किया गया था ऑल इंडिया ब्रह्म समाज के ही तर्ज पर यहाँ पर कुछ और लोग भी इनके साथ में जुड़ गए कौन कौन लोग जुड़ गए एम जी रानाडे जुड़ करके आ गए के रानाडे जुड़ गए और साथ ही साथ में जी आर भंडारकर जुड़ गए जी आर भंडारकर ठीक है ये दो लोग आकर के इनसे जुड़ गए एम जी रानाडे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं हमारे इंडिया में इन्हें इंडिया का या फिर कहिए महाराष्ट्र का सॉक्रटीज़ भी महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है अब ये जो लोग थे आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज ये लोग क्या है कि डिप्रेस क्लास के लिए काम करना शुरू कर दिए यहां पर ये लोग डिप्रेस्ड क्लास के लिए काम करना शुरू कर दिए अब इस डिप्रेस क्लास को लेकर के कई सारी चीजें बनाई गई थी जैसे सोशल सर्विस लीग बनाई गई सोशल सर्विस लीग अब देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि सोशल सर्विस लीग किसने बनाई तो आप बताएंगे एमजी जी ने बनाई थी तो सोशल सर्विस लीग बनाई गई थी इसके अलावा एजुकेशन के लिए काम किया गया था एजुकेशन के लिए क्या किया जाएगा यहाँ परशन डिकन एजुकेशन एजुकेशन एसोसिएशन खोला गया अब ये जो डिक्किन एसोसिएशन है ये आगे जाकर के यही पुणे फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से फेमस हुआ पर फर्ग्यूसन कॉलेज और यही जो पुणे फर्ग्यूसन कॉलेज है ये आगे जाकर के आगे जा कर के इसमें जो मेंबर्स जैसे कि कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पर जुड़ जाएंगे यहाँ पर जुड़ जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक साहब टीचर थे यहाँ पर इसी तरीके से अगरकर साहब यहाँ पर जुड़ जाएंगे इसी तरीके से यहाँ पर गोखले गोपाल कृष्ण गोखले जी जुड़ जाएंगे इसी तरीके से महादेव बल्लाल जुड़ जाएंगे महादेव बल्लाल जुड़ जाएंगे है ना और इसके अलावा विष्णु शास्त्री जुड़ जाएंगे विष्णु शास्त्री जुड़ जाएंगे तो ये लोग क्या है कि ये डिप्रेस्ड क्लास वाला जो एजुकेशन सिस्टम था ये जो फर्ग्यूसन कॉलेज है यहां पर ये लोग पढ़ाना शुरू कर दिए थे अब यहीं पर एक नया ऑर्गेनाइजेशन और नई चीज स्टार्ट हो जाएगी वो हो जाएगी विडो समाज विडो के लिए जो विधवाओं थे उनके लिए काम करना शुरू किया गया और इसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उनका नाम है डी के कड़वे डी के करवे इन्होंने क्या किया था कि जो विधवा हैं जो विडो हैं उनके लिए एक अलग से आश्रम ओपन कर दिया था और इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम शुरू हो गया था तो ये थी पूरी की पूरी बातें जहां पर सिस्टम चल रहा था अब ये जो आपका प्रार्थना समाज है कहाँ पर है ये बॉम्बे में है प्रार्थना समाज किस चीज में ज्यादा डाइवर्ज हो गया वो आप बोल सकते हैं डिप्रेस्ड क्लास के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट हो गया था अब ये जो प्रार्थना समाज है वो वापस से वो वापस से नए नए एरियाज में फैलना शुरू कर दिया नए नए एरिया का मतलब दो जगह पर फैला साउथ इंडिया में फैला और पंजाब में फैला साउथ इंडिया और पंजाब में साउथ इंडिया में जो फैला था वो वीर सलिंगम पुंडलू के द्वारा स्टार्ट किया गया था वीर सलिंगम पुंडलू के द्वारा और वहीं जो पंजाब है ये दयाल सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था क्लियर हो गया क्या चीज़ है अब देखिए अगेन यही चीज़ कहा जाएगा कि अगर आप समझ लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी आसान है याद करना याद ही करना है लेकिन आसान हो जाएगा याद करना लेकिन अगर आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप रट्टा मारने पर आ जाएंगे तो आपको लिंक नहीं पता चलेगा तो ये बेसिकली पूरी की पूरी लिंक है पूरी की पूरी स्टोरी है जो अलग अलग तरीके से फैली थी क्लियर हो गया क्या है नहीं समझ में आया अगेन वॉच इट केयरफुल्ली देन ओनली यू विल बी एबल टू मेमोराइज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लिंक अमंग दीज ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है अब चलिए फटाफट हम लोग जरा जो कॉम्प्लेक्स चीज़ थी उसको डिस्कस कर लिए हैं तो अब हम लोग चलते हैं ज़रा थ्योरी की ओर में देख लेते हैं ताकि आप जो पढ़े हैं वो लिंक भी समझ में आ जाए तो सबसे पहले हमारे साहब आते हैं ब्रह्म समाज वाले ब्रह्म समाज में आपको पता है कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी आइडल वर्शिप और जो मीनिंगलेस राइट एंड रिचुअल्स थे उनको ये दूर और उनके अगेंस्ट में ये काम करती थी जो समाज था इन्होंने मेंबर्स को कोई भी रिलीजन को उसमें मोनोथोइम को फॉलो करने के लिए एकेश्वरवाद को फॉलो करने के लिए कहा था इसमें राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन्होंने आत्मीय सभा पहले स्टार्ट किया था और फिर ब्रह्म समाज या फिर ब्रह्म सभा स्टार्ट कर दिया था ब्रह्म समाज जो है गॉड इज़ द कॉज एंड सोर्स ऑफ ऑल द एग्जिस्टेंस इसके बारे में मतलब इसी को बिलीव करता था और इसी पर यह काम भी करता था इन द ब्रह्म कंसेप्शन ऑफ गॉड देयर इज़ नो प्लेस फॉर सच डॉक्टर इन इन इनकारनेशन एंड मेडिटेशन इट डज़ नॉट रिकोगनाइज़ एनी स्पेशली प्रिविलेज प्रिछली क्लास ए मेडिटेटर तो यहाँ पर जो भी बीच में पिछली क्लास होते हैं उनके बारे में कोई भी बातें ये लोग नहीं मानते हैं और इस चीज़ को नहीं देखते हैं ब्रह्म समाज में कोई भी सेक्रीफाइस परमिटेड नहीं है ये जो नरबली हो गया मनुष्य को मारने वाली बातें होती हैं ह्यूमन सेक्रीफाइसेज होती हैं या छोटे बच्चों को मारना होता है वो सब यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है ब्रह्म समाज लेड इम्फोसाइज ऑन लैंड लव ऑफ मैनकाइंड एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड एंड सेक्स जो भी है राजा राम मोहन राय अल्टीमेटली इन्होंने कई सारी चीज़ों को स्टैब्लिश किया जैसे कि वेदांत कॉलेज हो गए या फिर आपका ये जो हिंदू कॉलेज हो गया अब हिंदू कॉलेज देखिए यहाँ पर लिखा गया है डेविड हेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये बेसिकली कुछ किताबों में देखिए लिखा हुआ है डच थे कुछ किताबों में लिखा गया है कि फ्रेंच थे आप दोनों ही ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में आएगा तो ध्यान से क्लिक कर लीजिएगा रॉय और उनके साथ में जो लोग थे इनके एसोसिएट कौन कौन थे इसमें रामचंद्र विद्या थे साथ ही साथ में द्वारका नाथ टैगोर थे तो इन दोनों लोगों ने अल्टीमेटली क्या किया कि जो हिंदुइज़म में ऑर्थोडॉक्सिटी थी उसको दूर करने की कोशिश किया था इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्म समाज हाउ एवर स्प्रेड एंड ब्रांच ऑफ समाज वर ओपन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया बट ऑफ कंट्री दो द ब्रह्म समाजिस्ट वर नेवर लार्ज इन नंबर दे रिप्रेजेंटेड द न्यू स्पिरिट ऑफ रेशनलिज्म एंड रिफॉर्म दे अटैक्ड कास्ट रिजिडिटी स्टार्टेड टॉकिंग देअर फूड विद द पीपल ऑफ सो कॉल्ड लोअर क्लास एंड दोज ऑफ अदर रिलीजन अपोज रिस्ट्रिक्शन अबाउट फूड एंट्रिंग तो जितनी भी चीज़ें वुमेन सोसाइटी वुमेन के स्टेटस वगैरह को लेकर के सती सिस्टम को लेकर के एजुकेशन को लेकर के तो इन सब चीज़ों पर और सिटी सी वोएजेस वही समुद्र की यात्रा वाला इन सब चीज़ों पर जो ऑर्थोडॉक्सिटी थी जो भी पिछड़ापन था उनको दूर करने की कोशिश की गई थी हमारे इस ब्रह्म समाज के लोगों के द्वारा ठीक है अब देखिए आगे आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यानी कि यहाँ पर केशव चंद्र सेन आ जाएंगे केशव चंद्र सेन और आपके द्वारका नाथ टैगोर इन दोनों लोगों में क्या खटपट हुई थी तो 1866 के दौरान में ब्रह्म समाज में एक डिवाइड हो जाता है रीजन आपको पता ही है द्वारका नाथ टैगोर फाउंडेड आदि ब्रह्म समाज और वहीं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ये फाउंड किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा केशव चंद्र सेन और उनका जो ग्रुप था वही आपका आनंद मोहन बोस शिवनाथ शास्त्री है ना ये सारे लोग तो इनके जो व्यू थे ये ज़्यादा रेडिकल थे दैन अदर ब्रह्म समाजिस्ट दे प्रोक्लेम्ड फ्रीडम फ्रॉम ऑल द बॉन्डेज ऑफ कास्ट एंड कस्टम एंड फ्रॉम सुपीरियॉरिटी ऑफ स्क्रिपचर्स दे एडवोकेटेड एंड्रॉम्ड इंटर कास्ट मैरिज एंड विडोर मैरिज तो देखिए ये जितने भी बाकी चीज़ें हैं जो अभी बैन नहीं हुई हैं उन पर काम कर रहे हैं दे अपोज द कस्टम ऑफ पर्दा प्रथा जो भी पर्दा प्रथा है उसको अगेंस्ट में थे कास्ट डिवीजन के खिलाफ थे तो ये सारा सिस्टम किया गया था केशव चंद्र सेन ने आगे जा कर के इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन की भी इस्टेब्लिशमेंट की थी जिसको कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है क्लियर हो गया क्या है अब देखिए इसके आगे की कहानी यहाँ पर नहीं लिखी गई है लेकिन खैर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है तो आपको आइडिया लग गया होगा ठीक है फिलहाल दिस इज गोइंग टू लॉन्ग एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर हम लोग करेंगे स्टॉप लेकिन स्टॉप करने से पहले यहाँ पर दो तीन ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं जिनके बारे में हम लोग फटाफट जरा देख लेते हैं क्योंकि ये सब इन्हीं चीज़ों से लिंक है जैसे कि आपका प्रार्थना समाज ये प्रार्थना समाज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है प्रार्थना समाज कहाँ पर ओपन किया गया था ये ओपन किया गया था बंगाल में ही किसके द्वारा ओपन किया गया था अच्छा प्रार्थना समाज सॉरी ये ब्रह्म समाज के ही कहने पर बॉम्बे में स्टार्ट किया गया था है ना बॉम्बे में स्टार्ट किया गया था आत्मा राम पांडुरंग साहब थे तो यहाँ पर क्या है कि आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इसमें महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर ये दो लोग आ गए थे तो ये इन्फ्लुएंस था ब्रह्म समाज से ही राना डे बिलीव विदाउट सोशल रिफॉर्म्स इट वॉज नॉट पॉसिबल टू अचीव एनी प्रोग्रेस इन इन द पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में इन्होंने बात किया और जितनी भी बैकवर्डनेस थी उन सबको दूर करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी इस प्रार्थना समाज में क्लियर हो गया क्या चीज़ है इस प्रार्थना समाज के बाद हमारे पास कुछ और भी छोटे छोटे समाज आ जाते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं जो कि शायद यहाँ पर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं वी हैव डिस्कस्ड अलॉट और वेद समाज के बारे में था तो वेद समाज यहाँ पर नहीं दिया गया तो हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं चलिए फिर हमारे पास बाकी और भी डिस्कशंस हैं और वो है आर्य समाज को लेकर के तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बातें करेंगे आर्य समाज के बारे में और जो बची हुई चीज़ें उनके भी बारे में ठीक है तो चीज़ें समझ में आई होंगी मोस्ट प्रॉब्ली आपको थोड़ी टफ जरूर है बट ईजी हैं फिर भी अगर आप इसे समझ जाएंगे तो फिर काफ़ी ईजी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये सारा डिस्कशन तो फटाफट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच कोई डाउट रहेगा तो ई करिएगा या फिर टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच